और जब उनके एक रोल की जो कंपैटिबिलिटी है वो किसी दूसरे रोल के साथ इनकम्पाटबल हो रही होती है तो वहाँ पर रोल ब्लेंडिंग के जो डिसीजनस हैं वो लेना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है लेट्स इफ वी टॉक अबाउट कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो एक यंग टीन गर्ल को ट्रीट कर रहा है जो कि सेल्फ हार्म की कंप्लेंट के साथ आ रही है और उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थाट्स हैं अबाउट सेल्फ और नेगेटिव सेल्फ इमेज है वो उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसको ट्रीटमेंट देते वक्त उसके माइंड में अपनी बेटी है जो उसी एज की है और वो एज अ फादर भी उसको देख रहा है और वो उसको एज़ अ फ़ादर ये बता रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ बहुत अच्छे हैं वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं वो तुम्हें बहुत सारे रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं तुम बेस्ट स्कूल में पढ़ रही हो तुम्हें बहुत प्रिवेज हासिल हैं बेसिकली ये वो सारा रोल उसके साथ जो शेयर कर रहा है वो वो उसके साथ वो रोल शेयर कर रहा है जो वो पर्सनली अपने पास एज अ फ़ादर के रोल में अपनी बेटी को दे रहा है सो एट टाइम समेरी यू नो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव पर्सन जो कि आपके सामने बैठा है और उसके पेरेंट्स प्रॉबेबली वैसे नहीं हैं या वो उनको खुद वैसा परसीव नहीं करा तो वहाँ पर यह जो रोल की इंकमेटबिलिटी है ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग में क्रिएट कर सकती है थ्री गाइडलाइंस कुड भी यूज टू असेस द अमाउंट ऑफ डैमेज इज बी क्रिएटेड बाय द रोल ब्लेंडिंग अब रोल ब्लेंडिंग जो है अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती तो ये बहुत सारे damages जो है, वो क्रिएट कर सकती है इसको समझने के लिए तीन जो है वो गाइडलाइंस हैं फर्स्ट एज द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोफेशनल्स एंड दोस्ट दे सर्व बिकम मोर इनकम्पेटेबल द पोटेंशियल ऑफ हार्म इनक्रीज जितनी ज्यादा लैक ऑफ ट्रेनिंग है जितनी ज्यादा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है उतना ज़्यादा इनकम्पैटबिलिटी बढ़ती जाएगी और एक इनकम्पैटबल जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है वो बहुत ज़्यादा सवियर हार्म जो है वो क्रिएट कर सकता है सेकेंड एज ऑब्लीगे एसोसिएटेड विद द रोल्स बिकम डाइवर्जेंट नाउ हर इंडिविजुअल उसको जो एक रोल असाइन हुआ होता है उसके साथ उसकी जो ऑब्लीगेशन हैं वो डिफरेंट होती हैं अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल वर्ड में समझाऊं तो अगर हम एक मदर डॉटर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वी एज्यूम दैट अ डॉटर विल बी प्रोटेक्टेड बाय द मदर और एक मदर जो है वो अपनी बेटी का ख्याल रखेगी उसकी नींद का उसके खाने पीने का उसकी एजुकेशन का बट यहाँ पर हम इस रोल को एक डिफरेंट एंगल से अगर देखें कि अगर वो मदर जो है वो मैंटली कॉम्प्रोमाइजड है उसको कोई मैंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है या बायोपोलर की पेशेंट है तो वहाँ पर वो अपनी बेटी की उस तरह केयर नहीं कर सकती बल्कि ये रोल जो है वो चेंज हो जाएगा एंड देयर द डॉटर इज़ सपोज टू टेक केयर ऑफ द मदर सो जब हम लोग रोल्स की बात करते हैं वो बहुत डाइवर्जेंट हो सकते हैं और उनसे रिलेटेड एक्सपेक्टेशन जो हैं वो भी डिफरेंट हो सकती हैं तो रिस्क ऑफ लॉस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड डिवाइडेड लॉयलिटी अराइज यहाँ पर यह प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आप कितना लॉयल तरीके से उस रोल को जो है वो निभा सकते हैं यानी कितना ज़्यादा एक टीन एज बच्ची एक बारह तेरह चौदह साल की बच्ची अपनी मेंटली सिक मदर जो है उसका कितना ख्याल रख सकती है इट डिपेंड्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द लॉयलिटी विच इज़ डिवाइडेड और हम हर एक से एक जैसी चीज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते देन थर्ड वेन द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द थेरेपिस्ट एक्सीड दैट ऑफ द क्लाइंट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लाइटेशन इज़ हाइट एंड नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अगर हम ये देखें कि एक जो थेरेपिस्ट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसका बहुत ज़्यादा कम्यूनिटी में नाम है उसकी सजेस्ट की हुई थेरेपीज जो हैं वो सबके लिए एक जो है वो जो होली वर्ड जो है उसका जो है वो दर्जा रखती हैं वहाँ पे अगर किसी किस्म की कोई रोल ब्लेंडिंग हो भी रही होगी तो मोस्ट पीपल बिलीव कि जो एक थेरेपिस्ट है उसकी तरफ से आने वाली कोई बात जो है वो गलत हो सकती है तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि जिनको हम बिग नेम्स समझते हैं उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कभी वो भी कोई गलती कर सकते हैं देन द गोल ऑफ एन एथिकल डिसीजन इज नॉट टू अवॉइड एनी और ऑल वायोलेशन ऑफ बाउंड्रीज बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल अगर हम बात करें कि कहीं पर कोई रोल ब्लेंडिंग नहीं हो सकती कहीं पे कोई लोगों की जो लॉयलिटीज़ हैं वो डिवाइड नहीं हो सकती तो ये इम्पॉसिबल होगा बट इन द गोल इज़ दैट टू स्टे ऑन द मोर सेफ एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वेयर द मिस यूज़ एंड एक्सप्लाइटेशन ऑफ द थेरेपिस्ट पावर इज कैप टू बी मिनिमम हमारी कोशिश जो है वो सिर्फ इस हद तक होनी चाहिए कि हम एटमोस्ट ये ट्राई करें कि हम इन रोल्स को जितना ज़्यादा क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन कर सकें अंडरस्टैंड कर सकें और इनको ड्यू तरीके के साथ परफॉर्म कर सकें ताकि एक एम्पावर्ड जो थेरेपिस्ट है उसकी किसी भी मिस्टेक की वजह से जो क्लाइंट है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो ना आए बल्कि वो एक सेफ़ तरीके से अपने इस थैरेप्यूटिक रिलेशनशिप का हिस्सा रहे और एक उससे सेफ़ एग्ज़िट ले सके